हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के शहर उदयपुर में। तो उदयपुर जाने से पहले कुछ क्वेश्चन आपके मन में होंगे जिनका कि मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ, जैसे कि कैसे जाना है और बजट फूड के क्या ऑप्शन है, वहाँ पर आपको खाना कहाँ पे खाना है और होटल कहाँ पे लेना है, होटल लेना है, हॉस्टल लेना है, जो भी लेना है वो कहाँ पे लेना है और घूमना कहाँ कहाँ पे है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके मन में उमड़ते रहते हैं जिनका कि आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर जाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बस से जाने की। बस से आप कहीं से भी देश के किसी भी बड़े शहर से बसें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि दिल्ली और जयपुर और भी कई शहरों से आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी जिनका कि फेयर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर बस का किराया अलग अलग होता है। कुछ ऐसी बसेज होती हैं तो सभी का फेयर वेरी करता है, अलग अलग बसों पर अलग अलग जो ट्रेवल्स होते हैं उन पे। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ से बस लेनी है। तो लगभग लगभग बड़े शहरों से डायरेक्ट बसें हमेशा अवेलेबल रहती हैं उदयपुर के लिए। तो बस से आप चाहें तो बस से जा सकते हैं, या फिर अगला जो आपका ऑप्शन है जाने का वो अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहें। उदयपुर का जो एयरपोर्ट है वो वेल कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो अगर आपको उदयपुर तक की डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है तो आप वहाँ तक जा सकते हैं, या फिर आप जयपुर पहले आ सकते हैं फ़्लाइट से, उसके बाद जयपुर से आप बस से जाएं तो बस से, या फिर आप ट्रेन से जाएं तो ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये रही बात फ़्लाइट की। अब बात करते हैं हम जो सबसे कन्वीनिएंट जो कन्वेंस होता है ट्रेन का। तो ट्रेन से आपको उदयपुर पहुंचने के लिए क्या करना है कि आप किसी भी शहर से जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से आप ट्रेन लीजिए जयपुर की। अगर आपको सीधे उदयपुर की ट्रेन मिलती है तो आप सीधे ले सकते हैं ट्रेन, और अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन उदयपुर की नहीं मिल रही है तो आप सबसे पहले आइए जयपुर, क्योंकि जयपुर का जो जयपुर जंक्शन है वो वेल कनेक्टेड है सभी शहरों से। तो आप सबसे पहले आइए जयपुर, और जयपुर से आपको ट्रेन मिलेगी उदयपुर के लिए। जयपुर से आपको ट्रेन लेनी है रात की, जो रात के 10:10 पर ट्रेन होती है वो आपको सुबह पहुंचाती है उदयपुर 5 बजे, 5 या 5:30 के बीच में आपको पहुंचा देती है। तो वही ट्रेन आपको लेनी ताकि आप पूरे होल नाइट आप यात्रा करें और उसके बाद सुबह आप पहुंच जाएं अपने होटल या हॉस्टल जो भी आपने लिया है। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या होटल लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। तो पूरी होल नाइट यात्रा करने के बाद, पूरी रात सफ़र करने के बाद आप सुबह पहुंच जाते हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। और जब आप उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं यहाँ पर सुबह, तो आपको काफ़ी ढेर सारे ऑटो वाले मिलेंगे, टैक्सी वाले मिलेंगे, जो कि आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर आप चाहें तो उनको अपना एड्रेस बताकर उनके साथ जा सकते हैं, अगर आपको वो सस्ता पड़ रहा है तो वहाँ उनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको ओला उबर ये आप चेक कर सकते हैं पहले से, तो उदयपुर सिटी से आप सीधे ओला उबर करके और जो आपने हॉस्टल बुक किया है, होटल बुक किया है या फिर जहाँ पर भी आपने बुक किया है वहाँ पर आप सीधे पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ हॉस्टल के लिए। तो मैंने जो हॉस्टल बुक किया ये मुसाफिर हॉस्टल, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। और आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत हॉस्टल है ये। और रियली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर तीन दिन मैंने स्पेंड किए यहाँ पर, और 3 दिन स्पेंड करने के बाद मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जो आपको हॉस्टल का जो प्योर हॉस्टल कल्चर चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा ना, पूरी हॉस्टल की वाइब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये इसका कैफेटेरिया है इस हॉस्टल का। और मैंने एक दो हॉस्टल और देखे थे बट वो मुझे कुछ खास नहीं लगे, सो मैंने इसको बुक कर दिया था इसके रिव्यू पढ़ के। और जब बाद मैंने इसको देखा मैंने बाद में, तो वाकई में जो मैंने इसके रिव्यू पढ़े थे वो सच में मतलब एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कोई दूसरा हॉस्टल बुक करते हैं या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा हॉस्टल है तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सही पड़े वो आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल मेरे ख्याल से बेटर रहता है आपके लिए, लेकिन अगर आप कपल हैं या फिर फ्रेंड ग्रुप है या फिर आप फैमिली है तो आपको होटल ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मैं सुबह जल्दी हॉस्टल में पहुंच गया था तो उन्होंने मुझे अर्ली चेक इन प्रोवाइड किया, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद फिर जब बात आती है कि खाना कहाँ पर आपको, जो फूड के ऑप्शन है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप बजट में खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी होटल में रुके हुए हैं या फिर किसी हॉस्टल में रुके हुए, वहाँ पर आपको जो फूड की फैसिलिटी होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अगर आपको बजट फूड चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर चल के जाना पड़ेगा। जो आपका हॉस्टल है उससे आपको
लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे जाने में। ये जो आपको पॉइंट किया है मैंने, ये है सुभाष चौक जहाँ का मैंने एड्रेस डाला हुआ है। तो सुभाष चौक में आपको काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट हैं और भोजनालय वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। वहाँ पर आपको 80 रुपये 90 रुपये की थाली और काफ़ी अच्छा खाना वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 दिन रुक रहे हैं, 4 दिन रुक रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बदल बदल के फूड टेस्ट करें, तो आप इसी के आसपास जो सिटी पैलेस है उसके आसपास या फिर जो लेक पिचौला है उसके जो आसपास आप रेस्टोरेंट देख रहे होंगे, तो इन रेस्टोरेंट में आप जाके वहाँ पर खा सकते हैं और टेस्ट ले सकते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट का। तो जो पिचौला या फिर किसी भी लेक के किनारे जो होते हैं रेस्टोरेंट वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट आप चाहें तो एक एक दिन जाके कहीं पर खा सकते हैं। तो ये नॉर्मल खाने के लिए मैंने बजट में फूड के ऑप्शन इसलिए आपको बताए क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे मैंने खाना खाया था हॉस्टल में तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ा, लगभग 350 रुपये का बिल आया था, जबकि मैंने सिर्फ नॉर्मल सी दाल और रोटी और चाय ही ली थी। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर जाके कभी कभी खा सकते हैं, और जो मैंने आपको 70 रुपये 80 रुपये की थाली के लिए बताया मैंने वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आप जो मारवाड़ी भोजनालय देख रहे हैं इसका भी खाना काफ़ी अच्छा था, जो थाली थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब 130 रुपये में अब आपको काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। जो भी दाल बाटी चूरमा और पूरी थाली होती है यहाँ पर 130 रुपये की वो आपको मिल जाएगी। एड्रेस आप देख रहे होंगे जो जगदीश चौक है, जगदीश टेम्पल के जस्ट बगल में ये भोजनालय आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना था मैंने खाया था, ये काफ़ी अच्छा खाना था 130 रुपये में, अब क्या ही लेंगे आप इतने कॉस्टली सिटी में। मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको कहाँ पे जाके खाना है और कहाँ पे नहीं खाना है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब बात आती है कि आपको घूमना कहाँ है, कहाँ कहाँ पे आपको घूमना है। तो जो फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है वो है आपका सिटी पैलेस। तो उदयपुर का सिटी पैलेस, ये सिटी पैलेस में अभी भी यहाँ पर जो आधा पैलेस है वो उसको म्यूज़ियम बनाया गया है, और आधे पैलेस में जो रॉयल फैमिली है वो अभी भी यहाँ पर रहती है। तो ये सबसे पहला प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हैं इसको देखने। टिकट आपको सामने दिखाई दे रही होगी, 300 रुपये की टिकट यहाँ पर पड़ती है, और इसमें जो कैमरा होता है वो 300 टिकट के अंदर ही आपको कैमरा ले जाना अलाउ होता है। और जो गाइड होता है उसमें आपको गाइड जो मिलता है वो गाइड मिलता नहीं आपको वहीं पर से, आप चाहें तो जो सिटी पैलेस कैंपस है वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा। गाइड का चार्ज होता है 300 रुपये, और ये उनका फिक्स चार्ज होता है, इसमें ना ही आपको वो कम करेंगे और ना ही ज़्यादा करेंगे। मैं अभी सिटी पैलेस के अंदर हूँ और इस सिटी पैलेस का मैं एक फुल गाइडेड टूर अपलोड करूँगा चैनल पे, क्योंकि थोड़े इस वीडियो में पूरा दिखाया नहीं जा सकता है सिटी पैलेस, क्योंकि पूरा गाइडेड टूर मैंने किया था और मैंने गाइड भी लिया था 300 रुपये के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मैं आपको फुल टूर दूंगा, बस ये तो मैं थोड़े से फुटेज अटैच कर रहा हूं ताकि पता चल सके आपको कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सिटी पैलेस के अंदर देखी, जैसे कि जो भी राजा की जो सारी चीज़ें होती थी पहले की वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, म्यूज़ियम बनाया गया है जिसका कि अगर आपको सिटी पैलेस के कैंपस में सिर्फ टहलना है या फिर वहाँ पर घूमना है तो उसका चार्ज सिर्फ 30 रुपये है, बट अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो उसका चार्ज 300 रुपये है। तो क्यों ना जब सिटी पैलेस गए हैं तो म्यूज़ियम भी देख लें, क्योंकि म्यूज़ियम बिना देखे आप सिटी पैलेस में फिर क्या देख पाएंगे। अगर आपने म्यूज़ियम नहीं देखा तो फिर आपको सिटी पैलेस जाने का क्या मतलब है। सिटी पैलेस के पास ही ये स्थान जिसे कि जगदीश टेम्पल या जगदीश मंदिर कहते हैं, ये आपको मिलेगा वहीं पर, और आपको इसमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये शाम का व्यू है, जो नाइट व्यू है जगदीश मंदिर का, यहाँ पर मैं शाम को गया था, और उसके बाद जब जगदीश मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर मैं पहुँचा ये लेक पिचौला, लेक पिचौला के किनारे जो कि उदयपुर की सबसे बड़ी लेक है। यहाँ पर जाके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के आप चिल मार सकते हैं थोड़ी देर, और सामने जो आपको दिख रहा है वो है जग मंदिर। तो यहाँ पर आप शाम को जाके थोड़ी देर चिल मार सकते हैं। और जो अगला जो डेस्टिनेशन है, अगली जो प्लेस है वो है करणी माता टेम्पल। तो करणी माता टेम्पल में आपको जाना है शाम को, शाम के टाइम पर आपको जाना चाहिए करणी माता टेम्पल में, ताकि आप वहाँ पर जाके जो सनसेट का नज़ारा है वो देख सकें, और करणी माता जो मंदिर है उसके ऊपर से आप देख सकें पूरे उदयपुर को, और उदयपुर की जो सिटी पैलेस उसका एक बेहद ही खूबसूरत व्यू आता है वहाँ से, करणी माता टेम्पल से। तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए शाम के टाइम पे। वहाँ जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पैदल रास्ता, या फिर आप यूज कर सकते हैं रोपवे का। रोपवे का चार्ज होता है 150 पर पर्सन,
तो आप चाहें तो रोपवे से जा सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है पैदल चल के जाने की। तो आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको जाना होता है, तो आप पैदल चल के भी 15 से 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये आपकी मर्जी है, आप रोपवे से जाते हैं या फिर पैदल चल के जाते हैं, जैसे भी आप जाना चाहें, आप बिल्कुल फ्री हैं जाने के लिए। तो वहाँ पर लेकिन आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर, वहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। और अगला प्लेस है आपका सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर मानसून के मज़े लेने के लिए राजा ने इसको बनवाया था, कि मानसून जब उदयपुर मानसून, तो उदयपुर सिटी को पूरे को सिटी जो है पूरा शहर है उसको व्यू लिया जा सके सज्जनगढ़ पैलेस से। तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी की। जो सहेलियों की बाड़ी है वो राजा ने बनवाया था, जो रानियाँ थी उनकी सहेलियों के लिए, ताकि वो रानियाँ जो हैं वो अपनी सहेलियों के साथ में यहाँ पर चिल कर सकें। इस वजह से राजा ने सहेलियों की बाड़ी को बनवाया था। और ये भी एक पार्क है, एक अच्छा स्थान है जाने के लिए, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। जो अगला प्लेस है घूमने का वो है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली पर भी आपको जाना चाहिए घूमने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसका कि चार्ज होता है 50 रुपीज़, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे फेमस है फोक डांस यहाँ पर होता है, उसकी आपको टिकट जो होती है वो पहले से बुक करनी होती है। तो अगर आप फोक डांस देखना चाहते हैं तो आपको बागोर हवेली में ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप फोक डांस के शौकीन नहीं हैं, या फिर आपको देखने का मन नहीं है फोक डांस को, तो आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहें या ना जाना चाहें। तो इस तरह से अब ये तो बात हुई कहाँ कहाँ घूमना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि घूमना कैसे। घूमने के लिए आप चाहें तो ओला ले सकते हैं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है उबर का। उबर भी वहाँ पर अवेलेबल है उदयपुर में, ओला उबर रैपिडो सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप रैपिडो ले सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं रैपिडो ओला या फिर उबर नहीं ले पाएंगे, उससे आपका काम नहीं बन रहा है या फिर आप नहीं सही से घूम पा रहे, तो आप एक स्कूटी रेंट कर लीजिए। स्कूटी का रेंट होता है लगभग 400 to 500 पर डे के हिसाब से होता है। और अगर आप स्कूटी लेते हैं 2 दिन के लिए, तो उसमें आप 400 की स्कूटी लीजिए पर डे के हिसाब से, और 400 का ही आप उसमें पेट्रोल डलवा लीजिए। लेकिन इसी तरह जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, इसी तरह से आपको लेने से पहले वीडियो बना लेना है। उदयपुर का जो नेक्स्ट प्लेस है वो है रायता हिल्स। ये एक ऑफ बीट प्लेस है। अगर आप उदयपुर में पहाड़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, उदयपुर में आप हिमाचल का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको रायता हिल्स, ये कोई एक प्रॉपर एक कोई जगह नहीं है, बट ये जो भी इसके रास्ते हैं, जाने वाले रास्ते हैं, जो रायता गांव है, जो रायता विलेज है, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है उसे ही रायता हिल्स कहा जाता है। और यही बेहद खूबसूरत रास्ता है ये पहाड़ों से भरा हुआ, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मतलब उदयपुर में आपको हिमाचल के मज़े मिलेंगे। स्कूटी या बाइक रेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जो उदयपुर की ऑफ बीट प्लेसेस हैं वहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं। तो जो रायता हिल्स का एक प्रॉपर वीडियो है, स्पेसिफिक वीडियो जो है रायता हिल्स का और बाहुबली हिल्स का, वो मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी फुटेज मैंने डाली है जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कहाँ पर जाके घूमना है। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे तो मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे जाके वो, अभी आगे मैं अपलोड करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो नॉलेजेबल वीडियो था इसको अपलोड करना सबसे पहले ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको आने जाने की जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे उदयपुर पहुँचेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। अभी अब जो इसके बाद जो रायता हिल्स के बाद जो नेक्स्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन है वो है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो थोड़ी सी दूर है, जिसे कि कहते हैं बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स उदयपुर की एक मोस्ट विजिटिंग प्लेस है, और बाकी यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। जैसा मैंने आपको रायता हिल्स, जो रायता विलेज वाले उसमें सेगमेंट में मैंने बताया कि वहाँ पर आपको उदयपुर में हिमाचल के मज़े मिलेंगे, उसी तरह से आपको बाहुबली हिल्स में भी उदयपुर में आपको हिमाचल के मज़े मिलने वाले हैं। तो बाहुबली हिल्स से फिर हम सीधे आ गए यहाँ पर, जो कि है फतेह सागर लेक। तो बाहुबली हिल्स घूमने के बाद और रायता विलेज घूमने के बाद फिर आप आ सकते हैं फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक के किनारे आप चाहें तो टहल सकते हैं। अभी तो मैं स्कूटी से जा रहा हूँ अभी चारों ओर चक्कर लगा के फतेह सागर लेक के, फिर उसके बाद यहीं पर बैठेंगे जाके फतेह सागर लेक में, और अपना शाम का टाइम जो भी है वो स्पेंड करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग करने के लिए अगर आप चाहें तो लेक पिचौला पे भी बोटिंग कर सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा चार्जेस महंगे होते हैं, शाम के टाइम पे 800 रुपये, और अगर आप वही दोपहर के टाइम पे जाते हैं या फिर सुबह के टाइम पे जाते हैं तो वो चार्जेज होते हैं 500 रुपये। लेकिन जो यहाँ पर चार्जेज हैं फतेह सागर लेक पे, जो चार्जेज हैं वो थोड़े से कम होते हैं, जैसे कि
आपको 500 या फिर 300 रुपये चार्जेज में आपको बोटिंग करने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने बोटिंग करी थी सिर्फ 89 रुपीस में, और सिर्फ 89 रुपये में मैंने बोटिंग करी थी। तो वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह से 89 रुपये में आपको बोटिंग करनी है, बोटिंग के मज़े भी लेने हैं और आपका सस्ते में बजट में काम भी हो जाएगा। तो ये है फतेह सागर लेक का किनारा, और यहाँ पर आप टहल सकते हैं, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आए हुए हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कपल्स हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है, और अगर आप फ्रेंड सर्कल में हैं, फ्रेंड ग्रुप है आपका, तो अभी आपके लिए ये प्लेस जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर तो नहीं मिलेगी जहाँ पर अभी मैं हूँ, लेकिन जहाँ पर बोटिंग होती है, जहाँ से बोटिंग करवाई जाती है, वहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी, वो भी दिखाता हूँ बाद में। देखिए किस तरह से यहाँ पर झील के नज़ारे, आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे झील के। ये फतेह सागर लेक है जो कि दूसरी लेक है, लेक पिचोला के बाद ये दूसरी बड़ी लेक है। तो यहाँ पर आके आप आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं आराम से। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टहल रहे थे, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर टहलते टहलते ही आप थोड़ा सा अपना समय देंगे तो आपको यहीं पास में भी मिलेगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम एक बना हुआ है जिसका कि जिसकी टिकट प्राइस है 147 रुपये, 147 रुपीज़। 147 रुपीज़ में आपको एक फिश एक्वेरियम देखने को मिलेगा। पहले तो मुझे लगा कि इसके अंदर क्या ही होगा, बट फिर भी मैंने टिकट लिया, और जब अंदर जाके देखा तो वाकई में एक खूबसूरत जगह है ये भी। बहुत सारी मछलियाँ, ढेरों मछलियाँ, मतलब ढेरों प्रजाति की मछलियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। उस तरह की मछलियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे अभी। ये भी छोटी छोटी मछलियाँ, और कई सारी मछलियाँ तो मैं कवर नहीं कर पाया, बट काफ़ी सारे जो जितना भी वीडियो मैंने बनाया, जितनी भी मछलियों का वीडियो मैंने बनाया, वो सारी देखिए छोटी छोटी सी और बड़ी बड़ी भी मछलियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। बट मैंने वैसे तो पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कहीं पे भी मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी इतनी ढेर सारी मछलियाँ थी कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाती हैं। अभी मैं सोच रहा था कि वीडियो को कट कर दूँ, लेकिन फिर भी कट नहीं किया जा सका क्योंकि मछलियाँ इतनी सुंदर हैं, आप खुद ही सामने देख रहे होंगे। अगर इसमें से मैं आपको मछलियाँ ना दिखाऊँ, एक भी मैं मिस कर दूँ, तो आप भी सोचेंगे कि फिर दिखाया क्या है ना। तो इसी वजह से मैंने एक एक मछली आपको दिखाई यहाँ पर, और काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर मछलियों को मिलेगी। देखिए किस तरह काफ़ी प्रजातियाँ इनकी मिलेंगी, और नीचे ये स्क्रीन भी लगी होती है यहाँ पर, जैसे कि आपको देखना है किसी मछली के बारे में, जानना है कि ये कौन सी मछली है या फिर किस तरह की मछली है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे स्क्रीन लगी होती है, उस पर सारी डिटेल्स, उस जो मछली होती है वहाँ पर ऊपर, उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलती है स्क्रीन पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, ये मुझे पहले से पता नहीं थी, बट जब वहाँ पर अचानक मैंने जाके देखा तो मुझे लगा कि देखना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि अरे ठीक है, कुछ होगा थोड़ा बहुत एक्वेरियम वगैरह, बट जब अंदर आया तो मुझे वाकई में लगा कि नहीं, आप अगर 145 रुपये खर्च करके, 47 रुपये खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं तो वो आपका बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है, वो बिल्कुल भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा। तो अगर आप उदयपुर आएँ तो एक बार आपको ये ज़रूर देखना चाहिए यहाँ पर आके, और पूरी अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ, खुद मतलब आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस तरह की मछलियाँ देखकर कि इस तरह की भी मछलियाँ होती हैं। तो बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर मछलियों की रखी थी हुई थी, और सभी जीवित थी, कुछ जिनका दिन में सोने का टाइम होता है वो कुछ सो भी रही थी, और ये काफ़ी सारी आप देख सकते हैं खुद ही, कुछ छोटी मछलियाँ जो कि बहुत ही छोटी हैं, जो कम जगह में रहती हैं उनको कम जगह में रखा जाता है, और जो ज़्यादा जगह में रहती हैं, जिनको जगह काफ़ी चाहिए होती है, उनको बड़ी जगह में रखा जाता है। तो आप ये सामने देख रहे होंगे कि किस तरह मछलियाँ, और ये स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पर आपको सारी जानकारी उनकी अवेलेबल हो जाएगी, जो भी मछलियाँ क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, मतलब करने का क्या मतलब है कि कैसे रहती हैं और क्या खाती हैं, क्या उनका भोजन होता है, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगी। जैसे ये मछलियाँ जो भी पड़ी हुई हैं, इनका भी मेरे ख्याल से सोने का टाइम है, तो वो सो रही हैं,
और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से उनको डिस्टर्ब करते हैं या फिर आप हाथ लगाएं, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पर ऐसे जो ये ग्लास यहाँ पर लगाए गए हैं वो इस तरह के लगाए गए हैं कि आप उनको डिस्टर्ब ना कर सकें। तो काफ़ी सारी ये देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ दिख रही हैं आपको सामने, बहुत ही बेहद खूबसूरत मछलियाँ यहाँ पर दिखी थी मुझे, और बाकी तो आप खुद ही देख रहे हैं सामने, इसीलिए मैंने कुछ भी वीडियो कट नहीं किया है, कितना भी लंबा हो जाए पर मैंने उसको कट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसको कट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फिर अगर आप मछलियाँ देख ना पाएँ तो क्या फ़ायदा वीडियो देखने का। ये कुछ तो यहाँ पर खाली पड़े हुए थे जिनमें कि मछलियाँ नहीं थी, बट किसी किसी में सिर्फ एक मछली थी, या किसी किसी में दो मछलियाँ थी, या किसी किसी में कई ढेर सारी मछलियाँ थी। तो वो अलग अलग शायद जिनमें मछलियाँ नहीं थी उनकी या तो मछलियाँ हटा दी गई होंगी या फिर उनमें नई मछलियाँ डालनी होंगी, इस वजह से वो खाली होंगे। और ये एक बड़ा सा एक्वेरियम और है जिसमें कि ढेर सारी मछलियाँ आपके आसपास होंगी, और आप चाहें तो ये जो ग्लास लगे हुए हैं इनके अंदर खड़े होकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और ये मछलियाँ आपके चारों ओर तैरती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं 100 रुपये 200 रुपये में, तो यहाँ पर जैसे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं अलग अलग तरीके से। और ये VR बॉक्स में, VR जो बॉक्स होता है उस पर आपको वीडियो आपके सामने प्ले करते हैं और कई सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद, फिर पूरा एक्वेरियम घूमने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद आप जा सकते हैं बोटिंग करने के लिए, जैसा कि हम गए थे बोटिंग करने। और यहाँ पर आपको 89 रुपीज़ में जो एक नॉर्मल बोट में बोटिंग होती है, और 239 रुपये अगर आप देते हैं तो आपको हाई स्पीड बोट में बोटिंग करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आप काफ़ियों से आप भीड़ भाड़ काफ़ी देख रहे होंगे, लेकिन भीड़ भाड़ से डरना नहीं है, क्योंकि ये भीड़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लाइन जो लगती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर देखिए वो जो मैंने बताया था कि 500 रुपये लेता है बोटिंग के, 800 रुपये लेता है, तो वो आपको जो घुमाता है वो जग मंदिर पे घुमाता है जाके, और पूरी वो आपके लिए एक पर्सनल बोटिंग होती है समझिए। और इसमें से कई सारे लोग बिठाए जाते हैं जो 89 रुपीज़ की बोटिंग करवाते हैं, इसमें कई सारे लोग बिठाए जाते हैं, जैसे कि 20 लोग 22 लोग, तो इस वजह से ये थोड़ी सी नॉमिनल प्राइस होती है। आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको कौन सी बोटिंग करनी है। तो आई होप कि मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी होगी कि आपको कहाँ पे रहना है, कैसे घूमना है, क्या खाना है, सारी चीज़ें मैंने बजट में आपको बता दी हैं। बाकी जो भी ज़रूरी और लेटेस्ट जानकारी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सारे वीडियो जो भी फुल वीडियो जैसे रहता है हिल्स, बाहुबली हिल्स और सिटी पैलेस के, वो आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं उदयपुर के ही एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।